पुरी के जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार 46 साल बाद फिर से खोल दिया गया। उड़ीसा के पुरी में स्थित 12वीं सदी के जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार के दरवाजे रविवार दोपहर को फिर से खोल दिए गए। ऐसा माना जाता है कि जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार और खजाने की रक्षा सांप करते हैं। रत्न भंडार से अजीबोगरीब आवाजें भी सुनाई देती हैं। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में रखे रत्नों की रक्षा बड़े बड़े सांप करते हैं, ये यहाँ की मान्यता है। सिर्फ उड़ीसा ही नहीं बल्कि भारत के लगभग हर हिस्से में इस कहानी को कई बार सुनाया जाता है। लेकिन अब जब रविवार को दरवाजे 4 दशक से ज्यादा समय के बाद दोबारा खुले तो इस बड़े रहस्य से भी पर्दा उठ गया। खबरें हैं कि अंदर दाखिल होने वालों को कहीं भी सांप नजर नहीं आए, जबकि प्रशासन इसके लिए पूरी तैयारी पहले ही कर चुका था। मगर जब 46 साल बाद रत्न भंडार का दरवाजा खोला गया तो ये कहानियां महज अफवाह ही रह गई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पुरी कलेक्टर सिद्धार्थ शंकर ने कहा है, हमें कोई सांप कीड़े या रेंगने वाले जीव नहीं मिले। खास बात है कि सांप मिलने की आशंका चलते सरकार ने पहले ही 11 सदस्य एक स्नेक हेल्पलाइन तैयार कर ली थी। इसके अलावा किसी भी अनहोनी से बचने के लिए यूनिट के 3 सदस्य रत्न भंडार के बाहर खड़े हुए थे। साथ ही पुरी जिला मुख्यालय अस्पताल को एंटी वेनम का स्टॉक तैयार रखने के लिए भी कह दिया गया था। वहीं एक अखबार से बातचीत में स्नेक हेल्पलाइन के महासचिव शुभेंदु मलिक ने बताते हुए कहा, हम रत्न भंडार खोले जाने तक उपकरणों के साथ पूरी तैयारी में थे, हालांकि कोई सांप नहीं मिले इसलिए हमारी सेवाओं की जरूरत नहीं पड़ी। सरकार की तरफ से गठित 16 सदस्यीय कमेटी के अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस विश्वनाथ रथ ने कहा कि रत्न भंडार खोले जाने से पहले बेकार की हाइप तैयार हो गई थी। उनका कहना है, अफवाहें फैलाई गई थी कि जो लोग रत्न भंडार खोलेंगे उन्हें स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां होंगी। हम सभी रत्न भंडार खोलने के बाद पूरी तरह से सुरक्षित हैं। फिलहाल पूरी मंदिर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था तेज कर दी गई है। सरकार ने कड़ी निगरानी के लिए राज्य और केंद्रीय बलों की तैनाती भी मंदिर के आसपास की है। RAF यानी रैपिड एक्शन फोर्स के कम 85 जवानों ने मंदिर के बाहर सुरक्षा संभाली है, जबकि राज्य पुलिस की 5 प्लाटून मंदिर के अंदर है। रत्न भंडार खोले जाने की प्रक्रिया सुबह करीब 10 बजे शुरू हो गई। भगवान लोकनाथ को रत्न भंडार का रक्षक माना जाता है और लोकनाथ मंदिर में आज्ञा माला होने के बाद प्रक्रिया शुरू की गई।